ग्राम भमौरी बुजुर्ग में चल रही संगीतमय भागवत कथा हल्की बूंदाबांदी के साथ भगवान ने लिया जन्म, जहां वासुदेव लेकर पहुंचे मथुरा, जहां यमुना जी ने चरण स्पर्श करने के लिए दिखाया अपना रौद्र रूप, वही वासुदेव टोकरी में डालकर पहुंचे मथुरा नगरी और देवकी के आंचल में भगवान को छोड़कर वहां से एक अन्य कन्या उठाकर वापस आ गए कारागार। आपको बता दें, ग्राम बमौरी में चल रही संगीतमय भागवत कथा पानी में झूम कर नाच रहे श्रद्धालु, वही लगातार 3 दिनों से हो रही गुना में बारिश के साथ श्रीमद संगीतमय भागवत कथा को सुनने के लिए श्रद्धालुओं का आना कम नहीं हो रहा, बल्कि भारी मात्रा में श्रद्धालु संगीतमय भागवत कथा का आनंद उठाने के लिए पंडाल तक पहुंच रहे हैं। वही पंडित श्री राजेंद्र शर्मा जी द्वारा कथाओं का वाचन भी किया जा रहा है और 25 तारीख को कथा का समापन एवं भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालु भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण करें। आपको बता दें कि लोधा समाज द्वारा श्रीमद् संगीतमय भागवत कथा कराई जा रही है, जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालु भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके धर्म का लाभ उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।